भाई वो देखो, आज बांग्लादेश T20 शुरू हो रहा है, ठीक है? तो भाई इसके बारे में जानकारी देना चाहता तो ये 1 घंटे 37 मिनट बाद जो मैच है इस पर क्लिक करते हैं और टीम देख लेते हैं क्या है। देखिए रहीम को तो हर कोई जानता है, इसे सिलेक्ट कर लेना। अरे भाई जाकिर अली की बात बता रहा हूँ, ये जे अली, ये भाई एडवांटेज हो सकता है अगर ये बंदा खेलता है, लेकिन ये 3% ही सिलेक्ट है। अगर आप इसे लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि ये भाई खिलाड़ी रन मार के जाता गया। इसका पिछला रिकॉर्ड खोल के देख लेना, इसने ठीक ठाक रन मारे हैं, लेकिन ये 3% है, इसलिए मैं थोड़ा शौक हूँ कि हाँ ये 3% क्यों है। इसके बाद बैटिंग में आ जाते हैं शब्बीर रहमान। देखिए शब्बीर रहमान ओपनिंग कर सकता है, 50-50 चांस है ओपनिंग करे यार। एफ महमूद सेलेक्ट कर लेना। तालुकदार, ये भी ओपनर बैट्समैन है, ये भाई एक ऐसा बैट्समैन है या तो 50 मारेगा या 0 पे निकल लेगा, तो आप इस पे रिस्क लेना चाहे ले सकते हैं। अब देख लेना, ये तालुकदार का रिकॉर्ड आप एक बार खोलोगे तो ये 50-60 रन कर जाता है या फिर 10-12 रन पे आउट हो जाता है। ये कभी भी बहुत कम चांस होते हैं कि ये बीच में आउट हो, या तो 50 मारेगा या फिर जल्दी आउट हो जाएगा, इसे अपने हिसाब से देख लेना। इसके बाद है एन हुसैन संतो, भाई ज़बरदस्त बैट्समैन है, इसे सिलेक्ट कर लेना। असरपुल छोड़ दो भाई, क्रिकेट छोड़ चुका है तो अब मुझे लगता नहीं है रन करेगा। और इसके बाद है ऑलराउंडर में आते हैं। देखिए मोहम्मद सैफुद्दीन भाई ज़बरदस्त ऑलराउंडर है, पिक कर लेना। मेहंदी हसन ज़बरदस्त ऑलराउंडर है, पिक कर लेना। हमारा मुख्तार अली भाई सिलेक्ट कर लेना, कोई वो नहीं है, सिलेक्ट कर देना इसे। इसके बाद आता है रुबेल हुसैन। देखो रुबेल हुसैन भाई सब जानते हैं, ज़बरदस्त बॉलर है। एन हसन भी ज़बरदस्त बॉलर है, और मेहंदी हसन राणा भाई इसे भी सिलेक्ट कर लेना, ये भी ठीक ठाक है। आपकी टीम ये भाई कंप्लीट हो चुकी है। बाकी मैं इसकी बता दूं, देखो अगर आप जाकिर अली को लेना चाहो तो भाई एक ड्रॉप करना पड़ेगा, तालुकदार को ड्रॉप कर देना, जाकिर अली लेना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप किसके साथ जाओगे। देखो भाई जाकिर अली का रिकॉर्ड अच्छा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई क्यों 3% है। और ये भाई तुम्हारा तालुकदार को ड्रॉप करो तो भाई चॉइस है तुम्हारे पास जाकिर अली के लिए, ठीक है? अभी ये बन गई तुम्हारी टीम। भाई देखो कैप्टन की चॉइस मैं बता देता हूँ, पहले नंबर पे रहीम है, दूसरे पे भाई तुम्हारा शब्बीर के साथ जा सकते हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ सबसे आखिरी चॉइस होनी चाहिए शब्बीर, क्योंकि भाई बैटिंग करेगा। देखिए भाई सैफुद्दीन एक अच्छी चॉइस है, इसके बाद मेहंदी हसन भाई ओपनिंग कर जाता है, मेहंदी हसन और 4 ओवर डालता है तो भाई अच्छी चॉइस हो सकती है। और मुख्तार अली तो रहने दो, दो ये तो छोड़ो। बाकी भाई मेरे हिसाब से अगर तुम जाओ तो मोहम्मद रहीम को कैप्टन बना देना, और देखो सैफुद्दीन या फिर मेहंदी हसन, ये दोनों आपकी चॉइस। सैफुद्दीन देना या फिर इसको बना देना, आपकी चॉइस है, जिस हिसाब से बनाना चाहो बना देना, ठीक है? इसके बाद है भाई तुम्हारा, हाँ बस यही है भाई, बाकी ये एक ही टीम है। इस टीम के लिए को आप भाई स्मॉल लीग में ट्राई कर लेना, बाकी फाइनल टीम नहीं है भाई। फाइनल टीम तो मैं टेलीग्राम पे मिलेगी, क्योंकि भाई टीम में चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि भाई अभी प्लेइंग 11 आई नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये खिलाड़ी खेलें, लेकिन भाई खिलाड़ी चेंज होंगे तो वो उसके लिए टीम अलग से आए, तो भाई उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन। तो भाई ये टीम देख लो एक बार, सॉरी ये टीम नहीं है ऊपर वाली है, ये टीम देख लो भाई। मैंने यहाँ पे देख सकते हो जाकिर अली को, नहीं यार ये नहीं है, नहीं नहीं भाई सॉरी भाई, ये तुम्हारा ये वाइस कैप्टन है हमारा शब्बीर नहीं है भाई, रहीम है और ये वाइस कैप्टन है। हाँ भाई ये टीम है, देख लो एक बार, इसे स्मॉल लीग में ट्राई कर लेना, स्मॉल लीग के लिए बेस्ट टीम है, बाकी आप देख लेना। देखिए मैं अब भी कह रहा हूँ तालुकदार की जगह जाकिर अली लेना चाहे तो ले सकता है, बाकी तालुकदार को ही रहने देना, ये तुम्हारे पर चॉइस निर्भर करती है। और देखो भाई फाइनल टीम तो मैं टेलीग्राम पर मिलेगी, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो दबा के, ठीक है? और मैं अगला वीडियो अभी भाई इसका अगला मैच किसका है, बंगाल का मैच है भाई, उसके ऊपर लेकर आऊँगा अगला वीडियो। तो भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तुम जैसे भाइयों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके।